शिक्षक बोला अच्छा काम है, 32 आदिवासियों को महाराष्ट्र भेज कर कटवाए गन्ने। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में एक शासकीय शिक्षक ने 32 आदिवासी मजदूरों को जिले से बाहर भेजकर मजदूरी कराई गई है, जिनमें एक दर्जन से अधिक नौनिहाल बच्चों से मजदूरी कराने का मामला आया सामने। मामला पोहरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 का है, जहां शिक्षक महेंद्र करारे ने 32 आदिवासी मजदूरों को अनदोखे मेरा अच्छा काम है बोलकर गन्ने कटवाने मजदूरी के लिए महाराष्ट्र भेज दिया, जिसमें कुछ नौनिहाल बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें एक अंशुल आदिवासी जो अपाहिज है, पैर से विकलांग है, उसे भी शिक्षक ने मजदूरी के लिए भेज दिया। इन मजदूरों से लगभग 2 माह काम कराया। बता दें कि इन शिक्षक ने इन आदिवासियों को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने का वादा किया था, लेकिन काम कराने के बाद इन आदिवासी मजदूरों को 1 भी रुपये नसीब नहीं हुआ। अब ये मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन इन आदिवासियों की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। इस संबंध में BRC से बात की गई तो BRC ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जब मामला आएगा तो जाँच कर उचित कार्यवाही करेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कितना उम्र है? 16 साल। मजदूरी करने कहाँ गए थे? महाराष्ट्र में। क्या मजदूरी करी? गन्ना काटे थे। गन्ना काटा था। कितने रुपए रोज के हिसाब से गए थे? वही 400 रुपये। कैसे? 400। और पैसा कितना मिला? एक ही नहीं दिया। 1 रुपये भी नहीं मिला? नहीं मिला। कितनी उम्र है? 15 साल। मजदूरी करने तुम भी गए थे? कहाँ गए थे? महाराष्ट्र। कितने दिन मजदूरी करी? दो महीने। कितने रुपए मिले? एक भी नहीं मिला। कितनी उम्र है? 16 साल। मजदूरी करने तुम भी गए थे क्या? कहाँ पर गए थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए थे। कितना पैसा मिला? एक भी नहीं मिला। कितने दिन मजदूरी करी? 5-5 दिन। वैसे 2 ही महीना करी। वो 2 ही महीना मजदूरी करी। जी बताओ, जे पैर में क्या दिक्कत है तुम्हारे? बचपन से जाते नहीं, बहुत बेर केक ले गया, बहुत अच्छा काम। कौन क्या ले गया? वो मास्टर। और क्या बोला? बहुत बढ़िया काम है, बैठे बैठे को काम तुम भी करना। अच्छा, बैठे बैठे काम है ये, कहके गए। और वहाँ जाके क्या करवाया? काम गन्ना कटवाया और फिर एक भी रुपया नहीं दिया। हम भाग रहे थे, गन्ना किराए को दे दे बस। अच्छा, भाग क्यों रहे थे? काम ही नहीं हो गए थे, एक दिन काम कर ला, बिना पैसे नहीं दिए, इसलिए भाग रहे थे। नाम है आपका? रतिराम। भाई आप मजदूरी करने गए थे, कहाँ मजदूरी करने गए थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मजदूरी करने। कितनी मजदूरी मिल गई आपको? मजदूरी बिल्कुल नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली। कितने दिन काम किया? 2 महीने। 55 दिन, मतलब 2 महीना पूरे। 2 महीने। कौन लेके गया था मजदूरी करने? महेंद्र करारे, मास्टर। मास्टर लेके गया था? एक धर्मवीर आदिवासी। वहाँ 55 दिन मजदूरी करी और 1 भी रुपया नहीं मिला। क्या मजदूरी करने भी तुम भी गई थी क्या साथ में? बोल तो सर, हाँ गई थी। वापस क्या हुआ? कुछ नहीं, लड़ाई हुई थी। कितने दिन मजदूरी करी? 2 महीना। 2 महीना मजदूरी करी। और कितना पैसा मिला? कुछ भी नहीं मिला। लड़ाई किस वजह से हुई थी? काम के वजह से। क्या बोला? पैसा नहीं दे रहा। बोलो। पैसा नहीं दे रहे, किराए पाए। फिर क्या हुआ? बिल नोके रहते हैं, तुम्हें मारेंगे, तुम काम नहीं करेंगे। अच्छा, और 1 भी रुपये मजदूरी नहीं मिली? नहीं। क्या नाम है आपका? रेनू। दादाजी महाराष्ट्र लेके गए आपको, क्या है पूरी कहानी क्या है? कहानी ये है सर, वो काम करना 7 दिनों में 300 रुपया के हिसाब से पेमेंट लेना, ठीक है, और खाना खर्चा जी सब हमारी तरफ रहेगा, किराया है वो भी। कहाँ लेके गए मजदूरी के लिए? पहले इन बोलकेड़ा पहुँचे। कहाँ पड़ता है ये? ये पुणे से आगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर वहाँ से वो दूसरे हम फिर ट्रांसफर कर दे, मतलब बेच दे दूसरी जगह पैसे भर के। मतलब क्या काम करने ले गए थे? गन्ना काटने लोड करना है, ठीक है। ट्रैक्टर में वहाँ कितने दिन रहे? 50-55 दिन रहे। कितना पैसा मिला? पैसा नहीं मिला। और कितने रुपए पर डे के हिसाब से बोल के ले गए? 300 रुपया
रोज के हिसाब से। कौन लेके गया था? मास्टर। क्या नाम है उसका? महेंद्र करारे। महेंद्र करारे, एक आदिवासी हो, वो भी उन्हीं के साथ में हो। उसका क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर नाम है। तो वो दोनों मास्टर और वो धर्मवीर लेके गए। ठीक है, पर उधर से फिर उधर से अमन को खर्चा नहीं दे रहा फिर खाने को। हाँ, अमन ने कही भैया जा से तू पैसे डरवा किराए को, और अमन ने वापस भेज दिया। ठीक है। हाँ, फिर जाना है। इतने दिन के बाद में 5,000 रुपये डलवाए। कौन के खाते में डलवाए? जी खुद ही के में डलवाए, मास्टर पैसे। मास्टर पैसे? हाँ, मैंने करारी पैसे। कौन ने डलवाए? धर्मवीर। धर्मवीर ने। तो धर्मवीर वहीं रह रहा था आपके साथ में? साथ में ही। अच्छा, साथ में गया। काम कर रहा था वो अमन से। अच्छा, फिर कैसे लौट के आए? फिर हम किराया डलवा, और हम फिर ट्रेन पहले बस में बिठा रहे, ट्रेन में बिठा रहे पूना तक। अच्छा, पूना तक का मैं लगे 220 रुपये एक आदमी। तो वो पैसा आपने दिया या फिर आजा बिन नहीं दिया? ठीक है, तो अभी तक कितना पैसा मिल गया तुम्हें मजदूरी का? अभी तक कितना पैसा मिल गया? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और कितने लोग गए थे यहाँ से? 32 लोग गए थे। 32 ने कुछ काम कम किया, मतलब 1-1.5 महीना वो कुछ करना पूरा किया। अच्छा, इसमें से बच्चे कितने थे? छोटे 16 ही है पूरे। नहीं, बच्चे जो 15 साल 16 साल की जिनकी उम्र है वो कितने लोग थे? 4 थे। वो कौन क्या क्या ले गया बच्चों को? वही ठेकेदारों को। अच्छा, मेरा नाम भरतलाल आदिवासी है। भरतलाल आदिवासी, आपके जो गांव के कुछ लोग मजदूरी करने गए थे, क्या मामला है ये पूरा? इनका मामला क्या है, इनको पैसा नहीं मिला 2 महीने, इन पे मजदूरी करवा ली। मजदूरी करवा ली और 1 भी रुपया नहीं दिया? 1 रुपया नहीं दिया। तो कोई किसी से शिकायत वगैरह करी कि नहीं करी? शिकायत नहीं करी, नहीं। एक बार कहीं गए होंगे पुलिस, इनकी कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर, एक शासकीय शिक्षक का मामला सामने आया है जहां उसने मजदूरी कराई है 32 मजदूर, सर क्या मामला? अभी मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आएगा उसकी जांच कराओ के आपको बता दिया जाएगा। तो सर आपको पता नहीं है सर क्या मामला है पूरा? नहीं, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है।